उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय थोड़ी वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वेस्ट माउंटेन खबर। नीरणा के हल्दुखाल में श्री रामलीला समिति हल्दुखाल द्वारा रामलीला का शानदार मंचन चल रहा है। आज पांचवें दिन हमारे सहयोगी संजीवनी जी ने यहाँ का जायजा लिया। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने काफी अच्छे रोल अदा किए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर उनका रामलीला में मंचन हो रहा है। आज यहाँ पर SSP पौड़ी निर्देशानुसार धुमकोट थाने के निर्णा चौकी पुलिस द्वारा सभी श्रद्धालुओं को अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। खास तौर पर बच्चों पर छेड़छाड़ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि बैड टच और गुड टच क्या होता है और किस तरह से उन्हें बच के रहना चाहिए। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी संजीव नेगी की रिपोर्ट। क्षेत्र में हूँ, ये निर्णाड़ा का ब्लॉक है और मेरे पीछे कुछ आप बालिकाएं देख रहे होंगे। ये किसके रोल में है यहाँ पे, क्योंकि रामलीला मंचन का आज ये पांचवा दिन है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं रोल कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह से हमारे जो युवा जो बच्चे हैं जो अभी स्टडी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और रोल निभा रहे हैं। परिचय करेंगे आपका, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा आगे आइए आप। बेटा आपका नाम क्या है? अंजलि। आप किस पात्र का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं? कौशल्य पात्र। कौशल्य का। आप बेटा आपका नाम क्या है? हिमानी। कौन सी क्लास है आपकी? टेंथ। टेंथ में। और कौन से पात्र का आपका रोल यहाँ पे अदा कर रहे हो? केकई। केकई का। आपका बेटा? प्रियांशी। और कौन सी क्लास है आपकी? टेंथ। रोल किस चीज का आपका यहाँ पे? सुमित्रा। सुमित्रा का। इससे पहले आपने कोई रोल खेला? अभी ये पहला रोल है आपका या इससे पहले? इससे पहले मैंने सुनैना का पात्र खेला। सुनैना का। आपने भी पहले? अच्छा, कौन सी क्लास है आपकी? टेंथ क्लास है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, जो आप मंच में जा रहे हो, सारे इतने सारे पब्लिक बैठी हुई है, कोई हेजिटेशन तो नहीं हो, कोई मतलब घबराहट तो नहीं हो रही आप लोगों को यहाँ पे? बिल्कुल बिंदास ना। चलो ठीक है सर, खेलते रहिए। तो ये है, और उसके बाद आप मैं सीधे चलूंगा राम और लक्ष्मण जिनको वनवास हो चुका है वहाँ के, और दशरथ के पार्ट से मिलाऊंगा, दशरथ से मिल लेंगे। नमस्कार सर, आपका पहचान है बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आपका अपना परिचय खुद देंगे, मैं पहचान भी नहीं पा रहा आपका। जगत राम ध्यानी और
हाल निवासी हल्दुखाल में। मैं जो है प्रथम बार दशरथ का रूल कर रहा हूँ। इससे पहले आपने पहले भी काफी यहाँ पे मुझे ना मंचन किया है। पहले मैंने 5 बार राम के पात्र के रूप में राम का रूल किया था। राम का रूल किया था आपने, आज आप दशरथ के रूल में। आज पहली बार है दशरथ का। बिल्कुल, ये आप समझ सकते हो। आज एज उम्र कितने होगी सर आपकी अभी? मेरी सर ऐसी होगी 57-58 किलो। 58 साल। हाँ, और जबरदस्त आपने देखा होगा, आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे यहाँ पे किस अदा से यहाँ पे दशरथ का रोल निभा रहे हैं हमारे सर। धन्यवाद सर। इसमें जो कुछ भी गलती होगी उसे ऐसा किया, हमने तो पहली बार इसका वो किया है, मंचन किया है, पर तब भी हम अपना वो फिर भी आपको मंच का एक अनुभव है ना अच्छी तरह से। और छोटे बच्चे जो आज यहाँ पे अपना रोल निभाने के लिए आपको कुछ कहना? ना, ये छोटे बच्चे बहुत, ये पहली बार हमारे इस रामलीला मंचन पे आए, उन्होंने भी अच्छा अपना रोल निभाया। अभी जो कि उनकी प्रथम लीला है, अगर इस बार वो दूसरी बार अगर वो मंच में जैसे अब पहुंच गए, अगर दूसरी बार वो अपना मंचन तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी, धन्यवाद सर। आप पहले आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यहाँ पे जो शख्स है उनको आप पहचान रहे हो नहीं पहचान रहे हो, जो हमारे लोकल के हल्दुखाल के क्षेत्र के हैं, पहचान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों, उनसे परिचय खुद लेंगे। और कौन से पात्र का ये रोल निभा रहे हैं, जो ड्रेसिंग इनकी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे तो सीधा उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा आपको परिचय चाहिए सर। मैं मुकेश गौड़ हल्दुखाल में, और इस समय मैं सुमंत का अभी अभिनय मैंने किया था, और अब मैं राजा केके का अभी अभिनय करूंगा, तो उसके लिए मेरी तैयारी चल रही थी। अभी संदीप जी ने जो है मुझे कहा थोड़ा सा बात करने को, और मैं इस समय इंटर कॉलेज जोगीमढ़ी में हूँ, वरिष्ठ सहायक के रूम में विराजमान, और आज ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा रोल था आज, और आज शनिवार भी था, तो पहले मैं ड्यूटी पे रहा 3:30 बजे, उसके बाद मैं आया और मुझे ये सौभाग्य मिला। और ये क्षेत्र के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष यहाँ हल्दुखाल में रामलीला मंचन होता है, और ऐसे ही जो है, और पब्लिक जिस हिसाब से हमें सहयोग देती है और यहाँ पे पब्लिक दिखाई देती है, खुशी होती है। अब जब ऐसे ठंड में भी लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, अच्छा लगता है। आप एक गुरुजी भी हैं, और आप इन बच्चों में, इन जो युवा बच्चे हमारे, जो आप आगे के लिए तैयारी करेंगे उन रोल, उन पात्रों के लिए, रामलीला के इस मंचन के लिए, उनमें कितना आप जोश खरोश देख रहे हो इस समय? बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे पहले हमारे हल्दुखाल में लड़कियां अभिनय नहीं करती थी, ऐसे मंचन में जो है आगे नहीं आती थी, और इस बार 3 हमारी ये जो लड़कियां हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अभिनय करने को उतरी हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद इनको देख के अन्य जो हमारी जो बच्चियाँ होंगी, जो और बच्चियाँ, उनमें भी जो है ये उत्साह होगा और वो भी आगे बढ़ चढ़ कर। मैं राम जी के पास आ चुका हूं और यहां पे उनसे परिचय लेंगे। हमारे अजय कुमार उनियाल जी हैं, जो पिछली बार भी राम का यहां पे पात्र निभाने और आज भी निभा रहे हैं। आज 5वां दिन है सर आपका, पहले तो स्वागत है वाइजोम माउंटेन पे। कैसा लग रहा आपको आज का इस मंचन में, और क्या आप कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लीला चल रही है। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर पब्लिक का साथ थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि दहशत है इधर उधर बात की, तो उस कारण भी लोग और कुछ शादियों में बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लीलाएं चल रही है, कुछ नए पात्र मिले हैं, तो बहुत बढ़िया चल रही है जी। आपने 15 दिन, आपको पहले भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, है ना? आपने तो, आपको जरूरत नहीं उसे 15 दिन क्लास लेने की, लेकिन आप तो काफी लोगों ने क्लास निभाया इस चीज़ का। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं तो तीसरा है मेरे, हैट्रिक है ये। और बस तब अब नए लड़के तैयार हो रहे हैं आगे के लिए, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है साहब, धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम। आप पहचान सकते हो यहाँ पे जो शख्स है वो क्या बने हुए हैं? जी बता दूं आपको, मैं यहाँ पे सीता का पाठ खेले हैं अनिरुद्ध शर्मा जी, उनसे बात करते हैं कैसे उनका अभिनय, और पिछले साल भी आई थिंक इन्होंने सीता का यहाँ पे रोल निभाया। कैसा लग रहा है अनिरुद्ध जी आपको यहाँ पे, और अभी शायद आप पढ़ाई स्टडी कर रहे हो, हैं कौन से आपकी अभी एजुकेशन में कौन सा क्लास है, जरा आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बीएड कर रहा हूँ फिलहाल, बेदी खाल से, फर्स्ट ईयर चल रहा मेरा बीएड का। आपको
काफ़ी अच्छा लगा। पिछले साल तो थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन थी कि थोड़ा सा मतलब घबराहट या मतलब होती थी, लेकिन इस साल इतना कुछ है नहीं, काफ़ी आनंद आ रहा है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है और अपने अंदर से मतलब खुल के एक बोलने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो मैं कह दूं आपको जी हाँ, यहाँ पे एक पात्र और हैं हमारे गुरुजी हर्षवर्धन नेगी जी, जिन्होंने श्रवण कुमार का रोल भी यहाँ पे निभाया, नैने डांडा में भी श्रवण कुमार का रोल निभाया और काफी भाट का भी रोल निभाते हैं। अभी कौन से पात्र का भी रोल यहाँ पे कर रहे हैं सर आप? पहले स्वागत है आपका जी। साधुबाद भाई जो माउंटेन के जो यहाँ पे हमारे अनुज हैं, बच्चे भी हैं, संजीव नेगी जी आप तो धन्यवाद। आप हर कार्यक्रम था मंच में लेंदो तुम्हें, खासतर आप था धन्यवाद दिंदू कि आप आज तक भी जो क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होंगी आप इसे भ्रम लें दो, तो धन्यवाद का पात्र सो आप भी अतगड़ा देगड़ हम भी वो आप अतगड़ धन्यवाद का पात्र हम भी छो। महोदय हमारे एक प्रयास होंगे कि सलाम लीले का जो मंचन करे जान तो आप पहले परिचय दिया कि भाई श्रवण कुमार आप ख्याल तिया जो पाठ हुई जख हम कोई दिखाता हमें वह हम पर राम कृपा हम सब खड़ा दो आज भी खड़ा छो और शायद मेरा रोल जो कंटा का रोल जो महाराज के रोल जो आप एक प्राइमरी स्कूल में आप इस समय एक टीचर भी छो और समय भी दिन देख और अपर वह क्लास भी लिंदो, तो जो बच्चा छी जो नया बच्चा छी वो खोना आप क्या मैसेज? भाई संजीव जी पुनः साधुवाद के पात्र आप लोग हैं और खासतर जो हमारी कल बच्चियां थी नौनिहाल थी हमारे उनके द्वारा जो यहाँ पे अभिनय किया गया वास्तव में मैं भी धन्य हूँ। बहुत सुंदर उनके द्वारा अभिनय किया गया और आने वाले में जनरेशन थी कि बच्चा हमारा फ्रंट में है और आप तो भी हो गया अवस्था आ गई चौथी की हिम्मत हार बैठा हूँ। पत्रकार महोदय साधुवाद धन्यवाद आपका, पर वो जो हमारे नौनियाल हैं हमारे जो बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल समय सबूत गुरु जी धन्यवाद। तो यहाँ पे समझ सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे गुरु लोग हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों पे और लगातार आपको ये मंचन दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप जरूर पहुँचेगा राज। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी पात्र हैं उनका जो साजो सज्जा जो कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे भाई हैं, थोड़ा उनसे परिचय खुद ले लेंगे। आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए यार, कौन सी जगह से आप हैं यार, लगातार हर राजमेला में आपको हम देखते रहते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम अंकित भट्ट, मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हनुमान का बहुत ही अच्छा पात्र क्या बोलते हैं उसके लिए नैनी डांडा में आप लोगों ने निभाया और आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे हल्दुखाल में भी मैं पहुँचा हूँ और यहाँ भी प्रत्येक कलाकार को उसके स्वरूप में उतार रहा हूँ और आपका भी धन्यवाद जो आपने मेरे साथ श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष साहब हैं संजय गौड़ जी, उनसे बात करते हैं यहाँ पे जो आज पांचवा दिन इस रामलीला का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका वाइजो माउंटेन पे। यहाँ पे जिस तरह से मंचन हो रहा है और काफ़ी लोगों का प्यार भी बढ़ता है क्योंकि इस डर के माहौल में भी लोग काफ़ी यहाँ पे पहुँच रहे हैं जो हम देख रहे हैं पंडाल में, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा अभिनय कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है, इस मंचन के बारे में आपको क्या कहना है सर? यही कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप वाइजो माउंटेन का भी और समस्त जितने भी राम भक्त हैं उनका भी कि वो अपना अमूल्य समय इस हमारी रामलीला समिति को दे रहे हैं। ये हमारी जो रामलीला होती है ये एक ऐतिहासिक है पूरे क्षेत्र में और प्रसिद्धि है, इसलिए लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छे तरह से अच्छे कलाकारों की अच्छे रिहर्सल करा के ये अभिनय यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत करें ताकि एक मैसेज जो जाए वो लाउड और क्लियर मैसेज जिसको कहते हैं उस तरीके से हमारे दर्शकों में जाए और क्षेत्र की जनता में भी जाए। और जहाँ तक रही डर की बात तो हम लोग तो ये बोंगी देवी की छत्र छाया में तो हैं ही और उसके साथ ही हमारा अभ्यस्त है हम लोग इस प्रकार के। मेरे साथ इस क्षेत्र के विकास खंड जो नैनाडा के बीडीओ साहब जी हैं, प्रमोचंद जी हैं, प्रमोचंद पांडे जी हैं, जिनसे बात करते हैं आज इस हल्दुखार रामलीला मंचन में पहुंचे हुए
एक मुख्य अतिथि के रूप में, उनसे बात करते हैं। आपको ये मंचन कैसा लगा सर, और आगे आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन बच्चों के लिए जो आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपना इस पात्र का रोल निभा रहे हैं? धन्यवाद नेगी जी। हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, छोटे छोटे बच्चे मंचन कर रहे हैं और संसाधनों का अभाव में मंचन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलला मंचन यहाँ पर किया जा रहा है यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा। ये हमारी खूबसूरत संस्कृति को दर्शाता है। एक पहाड़ की जो संस्कृति है, मेल मिलाप की संस्कृति है। दिन भर अपने काम धंधों से लोग बाग थके हुए हैं, थोड़ा मनोरंजन के यही साधन हमारे इन दूरस्थ क्षेत्रों में है, तो बड़ा अच्छा लगा। देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो प्रधान भी है ग्राम सिमली मल्ली के। स्वागत है आपका। आप दिल्ली से सर यहाँ पे रामलीला देखने पहुंचे हुए, इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप इस राम लीला मंचन पे, आप इन पात्रों को और आप इस भगवान राम की इस लीला पे आपका क्या कहना, क्या मैसेज देना चाहोगे आप क्षेत्र में? हम क्षेत्र की जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस परिस्थिति में भी यहाँ पे रामलीला देखने के लिए पधार रहे हैं, और बाकी दहशत के बीच भी इस रामलीला की दृश्य को देखने के लिए मतलब पहुंच रहे हैं। तो हम सभी राम भक्तों से विनती करते हैं कि इसी तरह हर समय यहाँ पधारें और इन बच्चों को उत्साहवर्धन करिए और आगे भी ये करते रहेंगे। और बाकी माँ बुंगी देवी की कृपा से ये सारा कार्यक्रम सक्षम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी आपका। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा,